सत श्री अकाल पब्लिक वॉइस देख रहे तमाम दर्शकों का मैं प्रकाश शर्मा स्वागत करदा। मेलों के विचों कहिंदे मेला छपार दा, छपार दे मेले पहुँच चुके हैं जी, रौनक लगी हुई है। मेले के जिहड़ा तुसीं देख सकदे हो भी जिहड़ा संगतां दा हड़ आया होया है। तो तुहानूं दस दईए भी जिहड़ा मेला तकरीबन 1100 साल पहला तो इस पिंड का नाम जिहड़ा छापा राणी सी छपार कौन लग्या, तो इत्थे पिछले 1100 साल तो है जिहड़ा ये मेला लग रहा है। तो दूरों दूरों जिहड़ियां देशां विदेशां तो संगतां ने इत्थे आउंदियां ने, तो तकरीबन जिहड़ा 10 दिन वैसे कहा जाता भी 10 दिन जिहड़ा मेला चलता है, पर यह मेला जिहड़ा है तकरीबन महीना डेढ़ महीना एवें चलता रहिंदा, लोग आउंदे रहिंदे ने जांदे रहिंदे ने। तो इस मेले की खासियत यह है भी मेले के जिहड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठ हुंदा, ते लोग ने जिहड़े बहुत दूरों दूरों देशों विदेशों के विचों इस मेले की मान्यता मानते हुए इत्थे नतमस्तक हो आउंदे ने। तो तुहानूं दस दईए भी मेले के अज तुहानूं मेले के वख वख थावां दे दर्शन करवावांगे। तो हुण फिलहाल असीं चले आं अंदर गुग्गा मेड़ी, तो जिथे तुहानूं भी दर्शन करवाउणे, तो बने रहो साडे नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज्यों ज्यों समा तब्दील हुंदा जा रहा है त्यों त्यों इस जगह की जिहड़ी नक्श नुहार है जां दिखावट कह लईए वह भी बदलती जा रही है। संगतां दा मेले दे दौरान इत्थे हड़ आ जांदा है, तो दूरों दूरों जिहड़ियां संगतां इत्थे नतमस्तक होण नूं पहुँचदियां ने। तुहानूं दस दईए कि इस जगह का नवीनीकरण हो चुकिया है, तो जो पुरानी गुग्गा जाहर पीर की जगह सी उस दे उत्ते संगतां दे वल्लों जो भी तिल फुल भेट किया जाता है तो वह सारा ही इस दे नवीनीकरण दे विच लगाया गया है। तुहानूं दस दईए इस जगह की दिखावट पहला नालों बहुत सुंदर हो गई है, अते जो भी संगतां अपना सहयोग पाउंदियां ने वह सारा इत्थे लगाया जांदा है, ते पैसा जो भी संगतां भेट करदियां ने इत्थे लंगर अते इत्थे दी बिल्डिंग दे विच लगा दिता जांदा है। तुहानूं दस दईए जिन्ना समा भी मेला जिहड़ा चलदा है इत्थे संगतां दा हड़ आउंदा रहिंदा है, ते इत्थे मिट्टी कढ़न दी प्रथा भी पुराने 1100 साल तो ही चलती आ रही है। तुहानूं दस दईए ये मेला पिछले 1100 सालों तो लगता आ रहा है, तो जरग दे मेले तो बाद यह दूसरा सब तो पंजाब दे विच लगन वाला वड्डा मेला है। तुहानूं दस दईए कि गुग्गा मैड़ी की जगह का जो नवीनीकरण हो गया है वह अलग ही नज़ारा बयान करती है। अंदर जाते ही फुलां दे नाल सजिया होया दरबार ते भगतां दी भीड़ ये दसदी है कि इस जगह की मान्यता है जिहड़ी किन्नी क है, ते किन्नी क लोकां दी जिहड़ी श्रद्धा इस दे नाल जुड़ी हुई है। इत्थे लोग लखां दी तादाद दे विच जदों मेला भरदा है उदों इत्थे दर्शन करन लई आउंदे ने, ते मुख पुजारी भी ने जिहड़े उहनां नाल बिल्कुल सामने दर्शन करन दा सहयोग दिंदे ने, ते संगतां दे द्वारा जो भी माया भेट हुंदी है जां जो भी माया संगतां इस जगह ते चढ़ाउंदे ने उह सारा ही इत्थे बिल्डिंग दे उत्ते अते खाण पीण जां कह लईए लंगर दे उत्ते लगा दित्ता जांदा है, ते दूरों दूरों संगतां आ के जो भी इत्थे अपना सहयोग दिंदियां ने उन्हां दी मानता तां जरूर पूरी हुंदी है। इस जगह दे उत्ते लखां करोड़ां रुपया खर्च करके इसका नवीनीकरण किया गया है, तो अंदर आउण सार ही एक अलग जी खिच पैंदी है। तो एक घोड़े दे उत्ते बैठे गुग्गा जाहर पीर जी का दूसरा स्वरूप है, जिथे लोग अपनी मानता पूरी होने तो बाद इस दे गेटां दे अगे जां कह लईए जो लोहे की एंगल लगी हुई है उसके उत्ते बाजे अते जो भी उन्हां दी सुख हुंदी है उस दे नाल संबंधित समान बन के जांदे ने, अते जिन्हां दी मन्नता पूरी हो जाती है उन्हां दा तां विश्वास ही इस जगह दे नाल जुड़ जाता है। इस जगह दे नाल ही एक हवन कुंड भी बनाया गया है, जिथे हवन करके संगतां नूं जिहड़ा निहाल किया जाता है। अज कल इत्थे दे मुख सेवादार हैप्पी बाबा जी ने जिन्हां दे वल्लों इस जगह दा जिहड़ा नक्शा ही बदल दिता गया है, ते संगतां दूरों दूरों आउण करके जो भी चढ़ावा चढ़ाउंदियां ने उह सारा ही
इत्थे बन रही नवी इमारत दे विच ला दिता है। ते आओ गलबात करदे आ हैप्पी बाबा जी दे नाल। जिहड़ा मेला भरदा है किन्ने समय तो भरदा रहे, किन्ना समा हो गया? सब तो पहला सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम अलैकुम। मैं गुग्गा माड़ी छपार, जिते पंजाब का प्रसिद्ध मेला, मेलिया चो मेला, मेला छपार का मुख सेवादार हैप्पी बाबा। जिहड़ा छपार का मेला जी 1100 साल पुराना लगता है, प्राचीन मेला वा। ये गुग्गा जहर पीर और बाबा सिद्ध सुलखण की याद के मेला मनाया जाता वा। इतने बाबा जी की बहुत कृपा वा, दूरों देशों विदेशों चो संगत बाबा जी का आशीर्वाद लैन आउंदियां ने। यह मेला अज 27 सितंबर तो लैके 3 अक्तूबर तक भरूगा। संगतां लई भंडारा तैयार आ, नवीं इमारतां बनाई गई ने। बाबा जी की पूरी कृपा वा, पूरी रहमत आ। सारे नूं संदेश देना चाहुंदा मैं कि जिन्हें भी वीर भाई इत्थे रात नूं शराब पी के ड्रिंक पी के मेले च आउंदे, ना आओ। नाले आपदा नुकसान करदे हो, नाले किसे दा नुकसान करदे हो। शरदा नाल आओ, बाबा जी तों मनोकामना पूरियां पाओ आ के, ते वध तों वध बैठ के बाबा जी दे अर्ज दुआ करो वी थोड़े जिहड़े तुहाड़े काम निकलण। गुग्गा जहर पीर और बाबा सिद्ध सुलखण जी ने सिखों गोत ने जन्म लिया। छपार पिंड का नाम अज तो 1100 साल पहला छापा राणी पिंड से, इन्हू सप्पा का पिंड कहा जाता जी। जिहड़े बाबा सिद्ध सुलखण से इन्होंने मुंडे के रूप में जन्म लिया। जिहड़ा गुग्गा जहर पीर से इन्होंने सप्प के सप्प के रूप के जन्म लिया, एक कोख के दोनों भाई से जुड़वा। जो बाबा सिद्ध सुलखण जी के माता जी इतने कपाह चुगन आते इस स्थान के उत्ते, उन्होंने जमीन जायदाद सी, तो बाबा सिद्ध सुलखण जी जो सौंदे तो सप्प उत्ते छां करके बैठ जाता सीगा। तो एक दिन कोई राही लंघिया जाता सी, उन्हें देखा भी सप्प बच्चे मार ना दे, तो उसने सप्प मारता। तो नाल ही बाबा सिद्ध सुलखण जी चोला त्याग गया अपना। उदू बाद इतने जौड़ियां का मेला लगन लग्या। उदू बाद इतने दुध पुत धन दौलत शौहरत इज्जत मान सन्मान मिलने लगे लोगों, संगत इस दरबार में जुड़िया। अनेक ही लोग कनेडा, अमरीका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया च बैठे आ। बाबा जी की बदौलत अनेक बेलादा दलादा हुई, सब दिन झोलियां भर दिया ने। यह बाबा सिद्ध सुलखण से गुग्गा जहर पीर का जुड़बियां का मेला लगता जी। बाबा जी देखने मिल रहा भी नवी इमारत भी बन रही है जी, कि लोगों का सहयोग है जरा मिल रहा? देखो जी, सारी जिनी संगत आँदी इतने, कोई कख पाँगा, कोई लख पाँगा, सारे संयोग आ। सारे इमारत बन रही, सारे भंडारे लगे हुए ने। अगे अगे बाबा जी ने जिवें मेरी ड्यूटी लगी है, मैं भगता रहा। जितने बाबा जी को लगू नहीं भगता रहा, मैं चलिया जाऊँगा जी, दुनिया छड़ दूंगा। बाबा जी किन्ने दिन लगता जी ये मेला जिहड़ा? ये 10 दिन लगता जी। 10 बहुत बहुत शुक्रिया जी गलबात।
चल चलिए छपार दे मेले, वो चल चलिए छपार दे मेले, मुंडा तेरा मैं चक लू, वो मुंडा तेरा मैं चक लू, वो मुंडा तेरा मैं चक लू। छपार दा मेला जेहा देखे छपार दा मेला, जे तेरी तोर देख ली, ओ जे तेरी तोर देख ली, ओ बारी बरसी कटन गया सी, खट के लिया पूरे भागा वाले दे हो गए कारज पूरे भागा।